हे गाइस, वर्षप नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है खुशबू और स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो देखिए, क्या बताएं, मेरी तबीयत ना कुछ ख़राब है और यहाँ पर मैं सोई हुई थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था और गले में खराश टाइप का हो रहा था, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे हम उस दिन। और यहाँ पे डुगू को देखिए, स्कूल जाने के लिए तैयार है, मतलब इसको स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हमारा टीवी भी हो गया था, ठीक। तो फाइनली हम गए उस रूम में, डुगू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो हम सोचे कि चलो डुगू को ना टीवी लगा देते हैं। दोपहर का टाइम था और हम इस रूम में, देखिए इस रूम में ज़्यादा नहीं रहते थे, ये रूम ना पूरा साफ रहता है हमारा। तो फिर हम यहाँ से टीवी ऑन किए, लेकिन टीवी जैसे ही ऑन किए ना, देखिए यहाँ पे हम टीवी पे ना दो एक डॉग रखे और एक टैडी रखे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए हम कितना ज़्यादा पतली दुबली हो गए हैं और टीवी कुछ अलग स्टेप से चलता था, तो फिर हम जा कर के टीवी को बंद कर दिए और जाके हस्बैंड जी को बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हम अपने आप को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा पतली दुबली हो गए हैं हम, यार क्या बताएँगे, मतलब ना हम अपने आप से ना परेशान हो गए कि गाइस इतना ज़्यादा पतला बन किसी को नहीं दिया। यहाँ पे डुगू देखिए स्कूल जाने के लिए दोपहर के टाइम में तैयार है, इसको स्कूल जाना बहुत पसंद है। बाकी कुछ बर्तन पड़े थे, मेरी तो तबीयत खराब थी, फीवर लगा हुआ था, तो बर्तन धोने का मन तो करता नहीं था, फिर भी सोचे कि कौन धो देगा, यहाँ पे तो आप जानते कि कोई है नहीं। तो फिर बाहर गए क्योंकि मन अजीब सा लग रहा था, मतलब लग रहा था ना कि यार क्या बताएं, अंदर में ना घुटन सी हो रही है। फिर हम यहाँ पे गए तो कपड़े उतारे जो भी सूखने के लिए दिए थे, क्योंकि ना बारिश का मौसम था और डर लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए। यहाँ पे डुबुआ देखिए लाइट दे रही है, जला रही है, दे रही है, जला रही है, क्योंकि इनको मिल गया था ये टेबल। और यहाँ से ये पापा को देखने लगी थी, फाइनली यहाँ जो है ना वो एक खिलौना गिरा दी थी, मतलब दूसरे के छत पे, तो फिर जा करके वो आई तो फिर इनको जो है खिलौना दी, फेंक करके, क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है और कुछ फेंक देती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ डुबू के पापा आ गए थे दूध ले करके और ये काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रही थी, पापा आ जाओ जल्दी से, ये तो कहती है कि कूद करके ही आ जाओ, क्या ही बताएंगे। और यहाँ पे नीचे देखे तो डुगू को हम बोले थे कि चलो पापा आ गया दूध को गर्म करेंगे, लेकिन ये आई नहीं रही थी अंदर। और मुझे खाना था आज कुछ शाम में चटपटा था क्योंकि फीवर था दो तीन दिन से, तो अच्छा तो लगता नहीं था, तो हम सोचे कि हस्बैंड जी ज़रूर मेरे लिए कुछ लाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे तो नहीं लगा था कि मेरे लिए कुछ लाए हैं, लेकिन हाँ लाते ही ना पहले डुगू के हाथ में कुछ दिया, और फिर जैसे ही वो बोले ना कि मोमोज लाए हैं, हम तो खुशी से पागल हो गए क्योंकि मोमोज हमें बहुत पसंद है और बाकी लोगों को भी पसंद होता है। देख के क्या बताएं, मेरा मन तो क्या बताया था, मन कर रहा था ना कि कब खा ले। तो यहाँ पे डुगू ना मेरे से प्ला छीन करके चले गई थी ये, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है मोमो, और ये जल्दी जल्दी यहाँ पे निकालने लगे। इनके पापा आते ही काम पे लग गए क्योंकि इनका टाइम हो गया था, यहाँ पे हम मोमोज निकाले, यमी यमी। और डुगू बोली पहले हम खाएंगे, लेकिन हम तो इनके पापा का इंतजार कर रहे थे, बार बार बुला रहे थे आइए आइए खा लीजिए। और यहाँ पे डुगू खाना स्टार्ट भी कर दी थी और खा करके यहाँ पे आई थी हाथ धोने के लिए, फिर इसको हम डांटे क्योंकि पूरा ना भिंगा ली थी ये पूरा, गाइज क्या ही बताएंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े भी हमको धोने के लिए था, फिर हमने किचन में किया दूध गर्म और फिर चाय बनाने लगे क्योंकि हस्बैंड जी को ना चाय पीना था। तो यहाँ पे देखिए फाइनल मेरा चाय बन गया था। और दूसरे दिन क्या बताया, दूसरे दिन मुझे लगा था कि मेरा तबीयत खराब ठीक हो जाएगा क्योंकि हम ना टेबलेट वगैरह सब खाए थे और दवा वगैरह सब भी बहुत ज़्यादा जो भी डॉक्टर बोले थे हम लिए थे, लेकिन पता है बेड पर थे ना, उठने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर के टाइम में ना बहुत ज़्यादा आँख में आंसू आ गए थे, क्योंकि पता नहीं मेरे तबीयत ख़राब के पीछे ना एक रीज़न है जो मैं कई बार आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ना कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगी, मर जाओगी बहुत जल्दी, क्या बताएंगे। और यहाँ पे रूम का हालात देखिए, मतलब ना बेड पर से उठने का मुझे मन नहीं करता था इसकी वजह से, और बार बार माता रानी को देख रहे थे कि माता रानी मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए यार, आखिर कैसे क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा। कभी कभी पता है गाइस में हम ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए डुगू भी सोई थी और हम जगे, और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी को बोले कि जाके दवा ला दीजिए क्योंकि और कुछ दवा बाकी था, तो यहाँ दवा का पुर्जा निकाले और हस्बैंड जी को थमाए। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पता है महीने में लगभग ना 3-4 हज़ार का मेरा ना दवाई आ जाता है, ये सब सोच सोच के ना सच में बहुत अजीब लगता है। फिर भी हमारी तबीयत ना कभी ठीक नहीं रहती है, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मेरे हस्बैंड मेरा इलाज नहीं करते, लेकिन ऐसी बातें नहीं है यार, हम लोग दवाई कर कर के थक गए हैं लेकिन ना कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था ना कि तुम अपने ज़िंदगी में बहुत तड़पोगी, मतलब श्राप जो एक होता है ना, वही श्राप हमको इस तरह से दिया गया था ना मेरे अपनों ने, जो मतलब होता है ना इतना श्राप दिए थे ना, लेकिन हस्बैंड जी मेरा बहुत केयर करते हैं, लेकिन इतना श्राप दिया गया था ना कि मतलब मुझे लगता है ना कि उसका श्राप ना मुझे पड़ गया है, जिसकी वजह से ना हम कभी खुश रह पाते हैं ना हमारा कभी तबीयत ठीक रह पाता है। और यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए तो हम गेट बंद कर दिए क्योंकि डुगू भाग जाती है और हमें फीवर था थोड़ा सा, तो कौन जाता उसको पकड़ के लाने छत पर से,
तो हमने यहाँ पे गेट लगा दिए। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा अजीब लगते रहता है यहाँ पे। डुगू फिर यहाँ पे आ गई थी अपने पापा को देखने के लिए, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा ये भी ज़्यादा परेशान करती है। तबीयत ख़राब में ना एक होता है ना कि लोग रेस्ट करते हैं, हमारे नसीब में तो कभी रेस्ट लिखा ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि हम टाइल्स मार्बल में रहते हैं, ऐस मौज करते हैं, होटलों का खाना खाते हैं। यार आप लोग ही कमेंट करके बताइए, अगर हम होटल का खाना खाते तो क्या हमारा हालत ऐसा ही रहता? पता नहीं कुछ लोगों को हमारे खान पान से और हमारे टाइल्स मार्बल में रहने से जलन क्यों होता है। बहुत मेरे बहुत करीबी लोग हैं, वो बहुत करीब, आप समझ सकते हो कि कौन हमको ऐसा बोल सकती है। बोल सकता नहीं है यार, बोल सकती है। मतलब एक होता है ना कि लोग अपने लोग जब खुशी से रहे ना तो लोग को खुशी होना चाहिए, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको हमारे टाइल्स मार्बल में, हमारे बाहर में रहने से